दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में एक वो दौर भी था जब एक्शन खूब डिमांड में था और डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी फिल्मों में जमकर एक्शन परोसते थे। अब चूंकि फिल्मों में एक्शन रखना जरूरी है, इसीलिए विलेन का होना भी जरूरी है। इसी वजह से फिल्म में विलेन के रोल्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितनी की लीड हीरो को मिलती है। बिला। आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं एक ऐसे खतरनाक विलन के बारे में बात करूंगी जो बड़े पर्दे पर आते ही तहलका मचा देते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ 80 और 90 के दशक की फिल्मों के फेमस विलन मलिक ईरानी की। हाँ इंस्पेक्टर, मैं हूँ मानिक भाई। जिन्होंने बॉलीवुड में कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया और खूब सुर्खियाँ बटोरी। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मानिक ईरानी का असली नाम शायद ही जानते होंगे, क्योंकि इन्हें अक्सर बिल्ला के नाम से जाना जाता है। दरअसल साल 1983 में रिलीज हुई सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरो में मानिक ईरानी ने बिल्ला का कैरेक्टर रोल प्ले किया था। इस फिल्म के बाद मानिक ईरानी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी। बहुत झगड़ा कर लिया बिल्ला। जय की दादा, आशिक की जगह जमीन पे नहीं। और इस फिल्म के बाद ही इनका निक नेम बिल्ला पड़ गया। मानिक ईरानी के करियर की बात करें तो इन्होंने साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म पाप और पुनिया से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में इन्होंने एक छोटे से गुंडे का रोल प्ले किया था। इसके बाद ये कई फिल्मों में लीड हीरो के बॉडी डबल के रूप में भी नजर आए थे। साथ ही ये स्टंट करने में भी माहिर थे और अपने स्टंट ये खुद ही करते थे। इतना ही नहीं, मानिक ईरानी ने उस टाइम पर खुद को काफ़ी हिट रखा हुआ था और अपनी ज़बरदस्त बॉडी के चलते हीरो पर भी भारी पड़ते थे। आप में से काफ़ी कम ही लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन में इनके बॉडी डबल बनकर सारे स्टंट मानिक ईरानी ने ही किए थे। डॉन सुपरहिट रही थी और अमिताभ बच्चन इस फिल्म के रिलीज के बाद तो रातों रात बड़े स्टार बन गए थे। लेकिन किसी ने एक जगह भी मानिक ईरानी की तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही मानिक ईरानी को किसी भी तरह का कोई क्रेडिट फिल्म में मिला। दोस्तों, मानिक ईरानी कद में लगभग बिग बी जैसे ही थे। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन का बॉडी डबल बनने में उन्हें बेहद आसानी हुई थी। सिर्फ डॉन ही नहीं, बल्कि इन्हें अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में बॉडी डबल के रूप में देखा गया था। इनके फिल्मी करियर की बाकी फिल्मों की अगर बात करें तो शुरुआत में इन्हें फिल्मों में छोटे से गुंडे के रोल मिला करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाई और बड़े पर्दे पर हीरो को टक्कर देने का मौका मिलने लगा। इसके बाद इन्हें कालीचरण, त्रिशूल, शान, मर्द, कर्मा, कमांडो, मिस्टर नटवरलाल, पुरानी हवेली, विश्वनाथ जैसी कई बड़ी हिट फिल्मों में देखा जा चुका है। सुभाष घई की फिल्म कालीचरण में इन्होंने गूंगे विलन का रोल प्ले किया और इसमें वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। दोस्तों, आप में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि राम से ब्रदर्स की सुपरहिट हॉरर फिल्म पुरानी हवेली में मानिक ईरानी ने एक हेवन का किरदार निभाया था और यकीनन उस किरदार में इन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया था। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है दोस्तों, उन्हें पता ही होगा कि मानिक ईरानी इस फिल्म में कितने खतरनाक नजर आए थे। इस तरह इन्होंने 80 और 90 के दशक में विलेन के रोल में राज किया और अपना खौफ काबिज रखा। लेकिन ये खौफ अचानक ही गुम हो गया, क्योंकि धीरे धीरे मानिक ईरानी को फिल्में मिलना कम हो गई और इनके बुरे समय में दोस्तों, इनका किसी ने भी साथ नहीं दिया। इनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो अपने करियर में लीड से हटकर भी कुछ रोल्स करना चाहते थे, लेकिन उन्हें हमेशा ही छोटे और चुनिंदा रोल्स ही मिलते थे, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पर बंद कर रह गए थे। अफसोस कि मानिक ईरानी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों, इनके करियर के आखिरी दिन भी बेहद बुरे गुजरे थे। एक दौर था जब वो साल में 10 फिल्में आसानी से कर लेते थे, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्में मिलनी कम हो गई और काम मांगने पर भी इन्हें काम नहीं मिलता था। इसी दौरान दोस्तों, इनका इकलौता बेटा भी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मरा मरा बेटे की मौत ने मानिक ईरानी बोल मरा पूरी तरह से डूब गया था। इसी बीच बेटे के गम में मानिक ईरानी शराब के नशे में डूबते चले गए। मानिक ईरानी की मौत कैसे हुई, इसका किसी को भी पता नहीं चला दोस्तों।
पत्नी और बेटे के अलावा इनका कोई नहीं था, और बेटे के जाने के बाद तो इन्होंने सभी से उम्मीद छोड़ दी थी। हालांकि इनकी मौत को लेकर ये भी कहा जाता था कि इनकी मौत ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया था कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके चलते इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। लेकिन हॉस्पिटल में भी इन्होंने शराब पीनी नहीं छोड़ी, और मौका मिलते ही वो वहाँ भी शराब पीने लग जाते थे।